नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार, आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं PMVY योजना के बारे में, यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी समझेंगे कि ये योजना है क्या और इस योजना में कौन कौन से लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं आप सब तक पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस योजना का नाम, पूरा नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है और इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तरफ से पूरे भारत में चलाया जाता है उन सभी महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिला हैं। उन सभी गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये दिए जाते हैं। तो 5,000 रुपये किस प्रकार से मिलते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। भुगतान की राशि व शर्तें, तो यहाँ पे 3 किस्त में जो कि है राशि 5,000 रुपये दी जाती है गर्भवती महिला को। यहाँ पहला किस्त है जो कि गर्भावस्था का LMP से 150 दिनों में पंजीकरण करवाना, यानी कि अगर आपकी पहली गर्भावस्था है तो आप लोग उसका पंजीकरण करवाएंगे तो आपको 1,000 रुपये दे दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 2,000 रुपये का जो दूसरा किस्त है, तो जब लाभार्थी डिलीवरी के पहले और गर्भवती होने के 6 महीने बाद फिर से दूसरा फॉर्म भरा जाता है तो उनको यहाँ पे फिर से 2,000 रुपये दे दिया जाता है उनके अकाउंट में। और तीसरा जो किस्त है, जो कि 2,000 रुपया फिर से तीसरा किस्त में मिलेगा, कि यहाँ पे अगर बच्चा जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद यहाँ पे फिर से तीसरा फॉर्म भरेंगे। तीसरा फॉर्म भरने के बाद जब बच्चे का आंगनबाड़ी के केंद्र पे टीकाकरण होगा उसके बाद यहाँ पे उसके अकाउंट में 2,000 रुपया भेज दिया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं इसमें कैसे इसका फॉर्म भरना है और कैसे कहाँ से इसका फॉर्म मिलेगा। तो योजना का लाभ उठाने के लिए निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र पर पंजीकरण कराकर ममता कार्ड प्राप्त कर सकते हैं भाई, उसके बाद आपको ये सारी योजना का लाभ आपको मिलता रहेगा। और अगर इसका आप लोग ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करना चाहते हैं या ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो मैं इसमें सिर्फ ऑफलाइन आवेदन के बारे में बताऊँगा। तो आप लोग उसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे और कैसे भरेंगे उसके बेसिक जानकारी मैं बताने वाला हूं। तो चलिए डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि कैसा फॉर्म है, उसको कैसे फिलअप करना है। तो यहां पे ये PDF फॉर्म है जो कि मैंने डाउनलोड करके रखा है। और अगर आप लोग भी इसका लाभ लेना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी कि पहला किस्त प्राप्त करने के लिए आपको 1A फॉर्म भरना होगा। उसके बाद आपको दूसरा फॉर्म है जो कि 1B होगा, उसके बाद 1C यानी कि 3 किस्त में आपको 3 फॉर्म भरना है और तीनों फॉर्म भर के आपको आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करवा देना है। वहां से उसके बाद वो आंगनबाड़ी आगे के प्रोसीजर को पूरा करती हैं। तो देख सकते हैं कि ये पर्सनल डिटेल्स है, इसमें पर्सनल डिटेल्स आप लोग भर के और बेनिफिशियरी डिटेल्स, हस्बैंड डिटेल्स, यहाँ पे बेनिफिशियरी का यानी कि लाभार्थी का आधार कार्ड का नंबर और नाम यहाँ पे भरना है और उसके बाद हस्बैंड के आधार कार्ड का नंबर और नाम यहाँ पे दर्ज करना है। दर्ज करने के बाद यहाँ पे जो है कि 1 से लेकर 6 तक यहाँ पे पेज है जो कि सारे पेजों को आप लोगों को फिलअप करके भरना है और उसके बाद जमा करा देना है। और उसके बाद इसके साथ में क्या क्या आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा तो यहाँ पर देख सकते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ दिया है, बैंक और पोस्ट ऑफिस फोटो, पासबुक यानी कि आपके बैंक अकाउंट में खाता है और अकाउंट है या आपके पोस्ट ऑफिस में अकाउंट है, तो दोनों में से किसी एक को यहां पे आप लोग दे सकते हैं इसके साथ में। और उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यहां पे वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जो भी है उसके साथ में एक अटैच करा सकते हैं। अटैच कराने के बाद यहाँ पर भी हस्बैंड के भी केस में यहाँ पे आप लोग यहाँ पे राशन कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में दे सकते हैं या वोटर आईडी कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारा फॉर्म जैसा जैसा है उसको यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने में कोई परेशानी होती है तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्म को ऑफलाइन फॉर्म को मैं आपके सामने भर के दिखाऊँगा कि कैसे कैसे भरना है। तो ये सारी जानकारी जो है कि इसमें आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं और भरने के बाद आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो
इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको सारी जानकारी बता देंगी कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो इस वीडियो को देखने के लिए फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।